थैंक यू सर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया था। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इसको ध्यान समझिएगा, बहुत टेक्निकल है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यस सर। और जो क्वेश्चन इसमें से आता है वो साफ में आपको बताते जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, देखिए यूरिन में जो यूरिया होती है वो यूरिया कहाँ बनती है, लीवर में, ठीक है। केवल किडनी क्या करती है, यूरिया को फिल्टर करने का काम करती है ब्लड से। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में। ये सब क्वेश्चन आता है, नोट कर लीजिएगा, यूरिया फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। लीवर की किस सेल में यूरिया बनता है, हिपेटोसाइट सेल्स, क्योंकि लीवर की सेल को क्या बोलते हैं, हिपेटोसाइट सेल्स, ठीक है, हिपेटोसाइट सेल्स, ठीक। लीवर में हिपेटोसाइट सेल में यूरिया बनेगा, किस सेल ऑर्गेनेल में यूरिया बनेगा बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मेनली यूरिया बनती है, कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, मेन है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो लिखेंगे एन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल ऐसा है जो यूरिया को बनाने में मदद करता है, इसमें यूरिया बनती है, साइटोप्लाज्म कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी भी बनता है और क्या बनता है, यूरिया भी बनती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में यूरिया का फॉर्मेशन, ठीक। साइकिल के थ्रू यूरिया बनती है, साइकिल का नाम क्या है, जैसे फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है कैल्विन साइकिल से, यूरिया के साइकिल से बनती है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया बनती है, ठीक। इस साइकिल का दूसरा नाम क्रैब हैंसलेट साइकिल, हैंसलेट साइकिल है ये, क्रैब हैंसलेट साइकिल। साइंटिस्ट और क्रैब, जिन्होंने क्रैब जाना ना, क्रैब साइकिल डिस्कवर की थी, तो क्रैब साइकिल में क्रैब साइंटिस्ट का रोल यहाँ पर भी है, क्रैब हैंसलेट साइकिल बोलते हैं। और यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल, इसके तीन नाम है, या इसको क्या बोलते हैं, यूरिया साइकिल, ठीक। ये हो गया साइकिल का नाम जिससे यूरिया बनती है लिवर में, ठीक है। अब यूरिया बनती कैसे लिवर में, तो यूरिया बनाने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और अमीनो एसिड। हम लोग भी प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन किस में टूटता है, अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनता ही है, तो CO2 प्लस अमीनो एसिड मिलकर के, सॉरी अमोनिया, अमीनो एसिड से क्या बनेगा, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया प्लस CO2 मिलकर यूरिया बनाते हैं, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2 होता है ना। तो यूरिया जो है कैसे बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया से क्या मिलकर बनता है, यूरिया बनती है, ठीक है। NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला है यूरिया का, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद एक चीज और क्वेश्चन एक बार आया है कि हमारी बॉडी में यूरिया का कंटेंट सबसे ज्यादा किस कहां पर, किस वेन में होता है, किस वेन में सबसे ज्यादा यूरिया होती है, तो लिवर से ही यूरिया बनती है। लिवर से जो वेन रिलीज होगी, जो वेन लिवर से निकलेगी डायरेक्ट, लिवर एक ऑर्गन क्या है, ऑर्गन है ना, तो लिवर से जो ब्लड वेसल निकलेगी, ब्लड को ले जाएगी कहाँ, लंग्स में ले जाएगी, ठीक है। उसका नाम क्या रहेगा, हिपेटिक वेन, क्या रहेगा, हिपेटिक वेन। लीवर में जो आर्टरी इंटर करेगा उसका नाम रहेगा हिपेटिक आर्टरी। तो सबसे ज्यादा यूरिया कंटेंट कहाँ होता है, हिपेटिक वेन में, क्योंकि लीवर में ही सब यूरिया बनता है। तो बन करके जब ट्यूब से निकलेगा वेन से, तो सबसे ज्यादा उसी वेन में क्या होगा, यूरिया का कंटेंट होगा। ये क्वेश्चन आया था, एक बार लिखिएगा, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ यूरिया, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ यूरिया कहाँ होता है, इन हिपेटिक वेन, हिपेटिक वेन। इतनी चीजें हो गया इससे यूरिया फॉर्मेशन से, ठीक है। और यूरिन कैसे बनता है, हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, यूरिया, ठीक है। और भी वेस्ट है, जैसे थोड़ा अमाउंट में यूरिक एसिड भी होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, ठीक है, बाकी अदर वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिन कहाँ बनता है, किडनी में बनता है।
किडनी में नेफ्रॉन में बनेगा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया लास्ट टाइम, कितने स्टेप में यूनिट बनता है, तीन स्टेप होते हैं। लीजिएगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फिल्ट्रेशन ठीक है। दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है सीक्रेशन सीक्रेशन ठीक है। ये तीन स्टेप है जिसमें मिला करके यूरिया यूरिन बनेगा ठीक है। एक एक करके समझ लीजिए, देखिए ये डायग्राम मैं बना रहा हूं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन समझना है क्या होता है। ये किसका डायग्राम है बताइए, किस क्या स्ट्रक्चर है, ये मोमेंट कैप्सूल क्या है, ये मोमेंट कैप्सूल, यहाँ क्या होता है पीसीटी होता है ठीक है। पीसीटी आगे का बाद में समझना, पहले तो यही समझना है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहाँ है, तो आप बताएंगे इसको हटा दे रहे हैं, हेडिंग लिखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखिए यहाँ पर ये वोमेंट कैप्सूल हो गया, यहाँ से रुटी बार ये स्ट्रिप का नाम क्या होता है बताते रहिए, ये एपरेंट आर्टरियोल एपरेंट आर्टरियोल, ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का पूरा कनेक्शन नेटवर्क होता है, यहाँ से रुटी निकलती है, क्या बोलते हैं एपरेंट आर्टरियोल, ये है एपरेंट आर्टरियोल, ये है एपरेंट आर्टरियोल, दोनों में कोई अंतर होता है, इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर क्या होता है कम, कम क्यों होता है उसका कारण है, अगर डायमीटर कम नहीं होगा तो ब्लड चलेगा नहीं ठीक है, इसलिए ब्रॉड डायमीटर है वो नैरो डायमीटर है, समझ में आ रहा है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है ये कहाँ होता है, वोमेन कैप्सूल, कहाँ बताएंगे वोमेन कैप्सूल में, या ग्लोमेरुलस लिखिए ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस दिखाई दे रहा है ये है वोमेन कैप्सूल, उसी को कहते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है। नहीं तो चलेगा तो वोमेन कैप्सूल में जाएगा ठीक है, तो एंड वोमेन कैप्सूल फिल्ट्रेट सेंटर पे कहां जाता है, वोमेन कैप्सूल में जाएगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बहुत हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड चलता है, ब्लड जो हमारी किडनी में छनता है उसका प्रेशर बहुत हाई होता है ठीक है। यहाँ से ब्लड और हाई प्रेशर जैसे मेंटेन होता है, देखिए यहाँ से ब्लड बहुत तेजी से आ रहा है, यहाँ से ज्यादा ब्लड इंटर करेगा ठीक है, देखते रहिए ये ब्रॉड है, इसका डायमीटर ज्यादा, यहाँ से ढेर सारा ब्लड इंटर करेगा, लेकिन जब यहाँ से ब्लड निकलने वाला होगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि नैरो ट्यूब हो गया, तब सोचिए यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा नहीं होगा, अगर दोनों ट्यूब का डायमीटर बराबर होता तो ब्लड प्रॉपरली नहीं छनता, इतना प्रेशर नहीं हो पाता, प्रेशर कैसे हो रहा है भाई, देखिए यहाँ से ब्लड ज्यादा आ रहा है और यहाँ से निकलने का रास्ता नैरो हो गया, सकरा हो गया, तो यहाँ से अल्टीमेटली इसको प्रेशर बनेगा ना, यहाँ जो ब्लड वेसल्स हैं जो कैपिलरीज है उनमें फोर्स जनरेट होगा और ब्लड को छानने का काम करेगी, यहाँ ब्लड चलेगा फिल्टर होगा, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्लड एक हाई प्रेशर से फिल्टर होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, ब्लड जो है फिल्टर By high pressure, एक हाई प्रेशर से ब्लड फिल्टर होता है ठीक है। कितने प्रेशर से ब्लड, क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन में जो आपका वोमेन कैप्सूल है यहाँ नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब समझ रहे हैं कि जब ब्लड छनेगा तो कितने प्रेशर से वो छनेगा, यहाँ पर छन करके आएगा 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ठीक है, वो क्या है प्रेशर, आधा तो है 70 से 80 के प्रेशर से, ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर क्या होता है 70 से 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन वो नेट कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको 10 से 15 जो क्वेश्चन आता है वही आता है कि इन वोमेन कैप्सूल, इन वोमेन कैप्सूल या नेफ्रॉन से लिखिए इन नेफ्रॉन नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, फिल्ट्रेशन प्रेशर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर किस प्रेशर से चलता है, बोलेंगे 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, प्रेशर को मर्करी कॉलम में जितने बीके जब नापते हैं तो पारा कितना ऊपर तक गया मर्करी कॉलम में ठीक है, ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें कुछ बाहर की ये जो
वोमेन कैप्सूल है, ये क्या है वोमेन कैप्सूल, बीसी लिख दे रहे हैं। इसके बाहर की लेयर किस टिश्यू की बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, कौन सा है सिंपल स्क्वैमस। अंदर की जो लेयर है इनर लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें कौन सी सेल लगी है पोडोसाइट, कौन सी सेल लगी हुई है पोडोसाइट, देखिए लगी है पोडोसाइट सेल्स, ठीक है। इनर लेयर ऑफ वोमेन कैप्सूल कंटेन द पोडोसाइट सेल, ये है पोडोसाइट सेल्स। इनके बीच में जो जगह दिखाई दे रही है आपको, स्पेस दिखाई दे रहा है दो सेल के बीच में जगह है, इसी जगह से ही ब्लड फिल्टर होता है। ये दो सेल मैंने जो बनाया है इनके बीच में जो स्पेस है, इसी स्पेस से ब्लड फिल्टर होगा। इस स्पेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या फेनेस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स है, फिल्ट्रेशन स्लिट्स, समझ में आ रहा है। यहां से ब्लड फिल्टर होगा, देखिए एरो बना दे रहे हैं कि इस स्लिट से होता हुआ ब्लड क्या होगा, फिल्टर होगा, ठीक। क्वेश्चन ये आता है कि नेट आपके वोमेन कैप्सूल में जब नेफ्रॉन के थ्रू ब्लड छनता है तो किस नेट प्रेशर से छनता है, 10 से 15 मिलीलीटर पर करीब, ठीक है। कितना ब्लड किडनी में आता है टोटल, टोटल ब्लड नेफ्रॉन में, टोटल ब्लड नेफ्रॉन में कितना आता है, 70 से 80 मिलीलीटर, नहीं नहीं टोटल ब्लड, एक नेफ्रॉन नहीं, ये दोनों किडनी को आप मिला दीजिए, जितना डाटा बुक में दिया है वो टोटल दोनों किडनी का डाटा दिया है, ठीक है। मैं एक नेफ्रॉन का नहीं कह रहा हूँ, जितने भी नेफ्रॉन है दोनों किडनी में 2 मिलियन से नेफ्रॉन होते हैं, सबको मिला लीजिए तो कितना ब्लड जो है नेफ्रॉन के अंदर आता है। तो आप 5 से 6 लीटर ब्लड हमारी बॉडी में होता है, उसका 20% ब्लड, उसका 20% ब्लड जो है आपको यहाँ छनने के लिए आएगा, बाकी ब्लड आगे निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। क्या यहाँ से जितना ब्लड आ रहा है क्या सारा का सारा ब्लड यहाँ छन जाता, नहीं, कुछ तो आगे निकल जाएगा ना। कितना ब्लड छनेगा, तो यहाँ जो ब्लड छनने के लिए आएगा वो 1100 से 1200 ml आता है नेफ्रॉन में, 5 to 6 liter ब्लड हमारी बॉडी में, उसका 20% ब्लड किडनी में फिल्टर होने के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पर एक गाइड कीजिएगा, टोटल ब्लड जो बॉडी में है टोटल ब्लड कितना होता है 5 to 6 liter, इधर लिए इसका 20% ऑफ टोटल कितना हुआ, इस 1200 ml ब्लड हुआ, यही ब्लड नेफ्रॉन में, सारे नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, एक नेफ्रॉन नहीं सारे नेफ्रॉन में, ठीक है। कम्स इन नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन में इतना ब्लड आता है, ठीक है, किसके लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, लेकिन इसमें से सारा छनता भी नहीं है, किसके लिए, फॉर फिल्ट्रेशन, समझ आ रहा है, 20% बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि यहां से जब ब्लड फिल्टर होकर के यहां पर आएगा तो ग्लोमेरुलस, एक वर्ड होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस का मतलब समझ रहे हैं, ये नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये गुच्छा जो बना हुआ है इसका, कैपिलरीज का, ठीक है। यहां से ब्लड जब वोमेन कैप्सूल में छनेगा तो उसका रेट क्या होगा, प्रेशर तो मैंने बता दिया, तो नेट प्रेशर कितना होगा 10 से 15 मिलीमीटर पर करीब, और उसका रेट क्या होगा, रेट का मतलब एक मिनट में कितना ब्लड छन करके यहाँ आ जाएगा वोमेन कैप्सूल में, तो कितना ब्लड आता है 120, कितना है बुक में लिखा हुआ डाटा देख के बताइए कितना है, लेते हैं अप्रॉक्स 120 लिखा हुआ, चेक कर लीजिए एक बार, मिस्टेक हो जाएगा, देखिए हमको एक बुक दे दो 120 एंड दिया हुआ है, थोड़ा क्लियर कर लेना 125, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ये सब क्वेश्चन आते हैं, फिल्ट्रेशन रेट का मतलब एक मिनट में कितना ब्लड वोमेन कैप्सूल में छन के आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब लिख लीजिए हाउ मच ब्लड रीच टू ग्लोमेर वोमेन कैप्सूल में कितना ब्लड पहुंचेगा इन 1 मिनट, 1 मिनट में, इसी को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, रेट का मतलब जान लें ना कि 1 मिनट में कितना ब्लड छन गया, ठीक है। ये कितनी वैल्यू होती है 125 ml पर मिनट,
अब क्या ये एक मिलियन डाटा नहीं, एक मिलियन सब नेफ्रॉन का डाटा है, याद रखिए, एक नेफ्रॉन का डाटा नहीं है ये, सभी दोनों किडनी का डाटा है, मैं नोट कर लेना, बोथ किडनी का डाटा है, सबको मिला करके बता रहा है कितना है एंगल। अब आप इसको 2 लाख से डिवाइड करिएगा तब एक इसमें आएगा कि एक नेफ्रॉन कितना ब्लड जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों किडनी का मिला करके डाटा है, टोटल ये क्या है, टोटल है, इतना एंगल ब्लड कहाँ आ जाता है, बोमेन कैप्सुलस कप में आ जाएगा, कप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर आ जाएगा, 125 ml पर मिनट, और एक दिन में कितना होगा तो जब कैलकुलेट करेंगे एक दिन में कितने मिनट होते हैं 24 घंटे में, तो आपको आएगा 180 लीटर पर डे, एक दिन में 180 लीटर फिल्टर रेट बनता है, ऊपर मिनट का डाटा है ये, क्या जीरे बाग है, अगर एक दिन का देखेंगे तो 180 लीटर पर मिनट हो जाएगा, एक दिन में 180 लीटर ब्लड आपकी दोनों किडनी छान करके यहाँ पे देते हैं, कहाँ ये इसमें वोमेन कैप्सूल में, समझ में आ रहा है, तो ये अगर सोचिए 180 लीटर का यूरिन बन जाता है, नहीं 180 लीटर ब्लड में छना क्या वो आगे चला जाएगा यूरिन में, नहीं जाएगा, मैं इसका इसका कितना 99 कितना परसेंट, हाँ 99% 99% रिवर्ट बैक हो जाएगा, वापस हो जाएगा, मतलब केवल कितना 1.5 लीटर 1.5 लीटर यूरिन बनेगा केवल, जितना ब्लड छनता है उससे केवल 1% यूरिन बनेगा, 99% जो छन करके आया है तब में वो आपके बॉडी में वापस चला जाएगा, ठीक है, रीअब्सॉर्ब, दूसरा स्टेप होता है इसके बाद वाला ना रीअब्सॉर्प्शन, कितना होता है 99% होता है बिटरेट का, जितना बिटरेट बना तो ये क्या है, ये 1.5 लीटर एक्चुअली में आता था 1.8 आएगा, इसका 1% कितना हुआ 1.8, ये एप्रोक्स कितना होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यूरिन एक हेल्दी पर्सन में बनता है पर डे, ये क्या है 1% है ऑफ टोटल फिल्टरेट, जितना फिल्टरेट बना उसका कितना है ये 1% होता है, याद रखिए, ठीक है, इसमें से ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ये हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक, अब इसके बाद ये फिल्टरेट कहाँ जाएगा, पीसीटी में जाएगा, लूपा फेनले डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, देखिए हैं सर, जी सर, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये डायग्राम यहां से हो गया कंप्लीट, अब देखना है आपको, देखिए ये यहाँ पर ये पीसीटी है, ये क्या है, ये पीसीटी प्रोजेक्टिबल कन्वोलेटेड ट्यूब, और उसके बाद लूप ऑफ फेनले, लूप ऑफ फेनले हुआ डीसीटी, अब उसमें वासर एक्टर बन गया, वासर एक्टर तो केवल आपको जे जी ए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस वाले में मिलेगा, वासर एक्टर याद रखिए, वासर एक्टर वर्टिकल नेफ्रॉन में नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर सिंपलीफाई बना दे रहे हैं, वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल ये है पीसीटी, और ये है लूप ऑफ फेनले, और ये क्या है डीसीटी है, और ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये लूप ऑफ फेनले का ये कौन सा आर्म है, डिसेंडिंग आर्म, ये कौन सा आर्म है, डिसेंडिंग आर्म, समझ में आ रहा है, यस सर, ये पार्ट आपको कहाँ, इतना हिस्सा कहाँ है, मैंने जो डॉटेड लाइन कर दिया है पीसीटी डीसीटी वोमेन कैप्सूल, ये सब कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में, मिडला में, ये है लूप ऑफ फेनले और कलेक्टिंग डक्ट होती है केवल, समझ में आ रहा है, अगला है रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन, रीअब्सॉर्प्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्टेड चीज है, अब बताइए इस कप में वोमेन कैप्सूल में जो ब्लड छनके आया है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो फिल्टरेट इन द वोमेन कैप्सूल, ये नोट करिएगा,
फिल्टरेट जो होता है, फिल्टरेट एन ग्लोमेरुलस वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल में जो चीज छनती आ रही है ब्लड की, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसमें क्या क्या होता है, छनती नीचे चला आता है कप में, वो चीज छनती है। देखिए इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ से जो ब्लड आ रहा था, यहाँ से निकल गया ब्लड ना, निकल गया, इसमें से क्या क्या छन गया, तो फिल्टर वही होता है, कभी ब्लड से फिल्टर नहीं होता है। हमारी कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये फिल्टर नहीं होती है, ये यहाँ से आएगी तुरंत निकल जाएंगी आगे, ठीक है, क्योंकि उनका साइज बड़ा है, छन्नी का साइज छोटा है, छन्नी बनाया था वो नहीं निकल पाएगा, तो आपकी ब्लड सेल आगे चली जाएंगी और आपकी बड़ी प्रोटीन्स, लार्ज प्रोटीन्स जो खून में होती है वो नहीं छन पाती है, वो आगे निकल जाती है, बाकी सब छन गया, समझ में आया। तो इसमें फिल्ट्रेट में क्या चीज रहेगा, इसमें रहेगा ऑल ब्लड कंपोनेंट, सारा ब्लड रहेगा, ऑल ब्लड कंपोनेंट एक्सेप्ट, क्या चीज छूट छूट जाएगी इसमें जो नहीं आएगा कैप्सूल में, ब्लड सेल नहीं आएगा, ब्लड सेल एंड लार्ज प्रोटीन्स। अब सोचिए आपके छन्नी से छन करके इतनी चीजें आ गई, ब्लड सेल छूट गया और लार्ज प्रोटीन बाकी सब आ गया, ये सब फिल्ट्रेट आगे जा रहा है, ये सब यूरिन में चला जाएगा, तो आपके शरीर में बचेगा क्या, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों कराया जाता है, क्योंकि जो चीज यहाँ से सब, देखिए एक चीज सुन लीजिए, यहाँ एक प्रेशर इतना ज्यादा होता है, जब मान लीजिए अभी जब भीड़ जुटती है और कहीं दरवाजा हो, तो भीड़ का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि दरवाजा तोड़ करके सब बाहर निकल जाते हैं, बैरियर होता है ना, बैरियर को तोड़ देते हैं, तो सेम सिस्टम यहाँ पर है, यहाँ इतना प्रेशर हाई हो गया था कि सबके सब आ गए यहाँ पर, कहाँ टीम में सब पास हो गए, कौन नहीं पास हो पाया, जो उससे निकल नहीं पाया, जो बड़ा बड़ा था, बाकी सबके सब चले जाए, तो सबके सब चले जाए तो उनको वापस भी तो भेजना है, तो वापस नहीं भेजेंगे तो बॉडी में बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। देख यहाँ से ये जो ट्यूब आ रही है, ट्यूब के चारों तरफ होता क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, ब्लड कैपिलरीज है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं इसको, ये जो आ रहा है ये ट्यूब यहाँ से आ रहा है, क्या यही कटा हुआ है, नहीं पूरा आएगा, इस तरीके से इसके चारों तरफ लिपट जाएगा, जो चारों तरफ लिपटा है, क्योंकि यही आपकी बॉडी में ब्लड रिटर्न हो रहा है, समझ में आया। आपको पीसीटी में देखना किस चीज का रिजल्ट होता है, लिखेंगे पीसीटी, क्योंकि पीसीटी की जो वॉल होती है अंदर से, सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो बताएंगे पीसीटी में क्यों होता है, क्योंकि पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम लगा है, कौन सा वाला है, ब्रश बॉर्डर माइक्रोग्लिया है, इसके अंदर एरिया को बढ़ा दे रहे हैं, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर 70-80% एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन किसका होता है, ऑफ फिल्टरेट, जो कैप फिल्टरेट है जो आगे बढ़ रहा है इसमें ट्यूब में, इसमें आया उसका 70-80% चीजें रिटर्न हो जाएंगी ब्लड में वापस, समझ में आ रहा है, ये तो हो गया मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर, रीएब्जॉर्प्शन क्यों होता है, कारण लीजिएगा, ड्यू टू माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एपिथेलियम, इसके टिश्यू का नाम है, ठीक है, और ये एब्जॉर्प्शन कहां से कहां होता है, ये आपको ट्यूब्यूल से मिलेगा, ट्यूब्यूल से कहां होगा, ये ब्लड ट्यूब्यूल से चीजें जो उसको चीजें ब्लड में जाएंगे, ये सेलेक्टेड सेलेक्टेड चीजें जाती है, सबके सब नहीं भाग जाएंगे,
अब देखिए बीसीटी में किस चीज का ऑब्जर्वेशन होगा आपके खून से क्या क्या चीज यहाँ आ गई है, कैप्सूल में क्या क्या आ गया आपको पता ना, ब्लड सेल छोड़ दीजिए, ब्लड सेल नहीं आया, बड़ी प्रोटीन नहीं आई, बाकी तो आपको ब्लड का कंपोनेंट पता है ना, ब्लड में होता क्या, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है एक बार जल्दी से बता दीजिए, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, वाटर होगा ना, सारा वाटर सिर्फ नीचे आ जाएगा, और क्या होगा इसमें आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन होंगे, इसके बाद अमीनो एसिड शरीर आ जाएगा, अमीनो एसिड चलेगा, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन छोटा वाला चलेगा, बड़ा प्रोटीन नहीं चलेगा, बड़ा प्रोटीन ही छनता है, इसको अंदर वाटर हो गया, इसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी या मतलब विटामिन सी, सारे विटामिन सी ही नहीं, सारे विटामिन आ जाएंगे टोटल, हॉर्मोन्स चलते आ जाएंगे, हॉर्मोन्स और क्या चलेगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, क्या होगा ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फैट चल जाएगा, इसमें इतना चीज आ गया, सब का सब तो छन के आ गया, अब इसमें से मैक्सिमम चीजों को वापस कर देना है ब्लड में, इसमें चार तरफ जो लिफ्ट है उसमें वापस भेज देना है, समझ आ रहा है, yes, आ रहा है इधर, इसमें से देखिए क्या क्या और कैसे भेजा जाएगा, यहाँ से मैक्सिमम वाटर का रीअब्सॉर्ब, देखिए अब क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम वाटर कहाँ रीअब्सॉर्ब करता है, या मैक्सिमम आयंस कहाँ रीअब्सॉर्ब, मैक्सिमम जब वर्ड जोड़ दिया उसने तो आप पीसीटी लिखेंगे, क्योंकि पीसीटी में हर चीज ज्यादा रीअब्सॉर्ब होती है, वाटर भी सबका सब मैक्सिमम चीजें यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी पीसीटी से, चाहे तो पूछा जाए 100% ग्लूकोज यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, समझ में आपके यूरिन में ग्लूकोज निल होता है, एकदम ग्लूकोज नहीं रखी, डायबिटीज के छोड़ दीजिए, डायबिटीज में ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है, यहाँ लिखेंगे वाइटर हो गया, ये एक्टिव प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये भी एक्टिव हो गया, एक बाइक का सोलेट आयन लिखिएगा क्लोराइड आयन और HCO3- आयन, ठीक है, ये आयन लिख दीजिएगा, अब क्वेश्चन आता है कि नेफ्रॉन ये जो ट्यूब्यूल है इसमें रीअब्सॉर्प्शन किस प्रोसेस से होगा, एक्टिव या पैसिव, एक्टिव जानते हैं एनर्जी खर्च करना पड़ेगा और पैसिव में एनर्जी नहीं खर्च करना, तो आपको पीसीटी में एक्टिव और पैसिव दोनों है, ठीक है, जितने देखिए अमीनो एसिड्स विटामिन हार्मोन ग्लूकोज ये सब एक्टिव से जाते हैं, जितना पॉजिटिव है याद रखिए सारा पॉजिटिव एक्टिव से ट्रांसपोर्ट होगा, सारा नेगेटिव पैसिव से जाएगा, वाटर पैसिव, वाटर हमेशा पैसिव से जाता ही है, ठीक है, यहाँ ये नोट करना है कि वाटर इसके बाद में HCl- क्लोराइड आयन माइनस ये सब जाएंगे पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, ठीक है, एनर्जी नहीं खर्च करना है, और बाकी जो बचा इसमें सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जितने भी आयन बचे पॉजिटिव आयन अमीनो एसिड्स ग्लूकोज ठीक है विटामिन ये सब कैसे होगा एक्टिव प्रोसेस हार्मोन्स भी सब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का याद रखना इसको हार्मोन भी सब हाँ सब आएगा ठीक है आयंस वाटर छोड़ दीजिए आयंस वाटर जो है वो नेगेटिव आयंस कौन से वाले नेगेटिव आयंस और वाटर पैसिव से जाता है ठीक है क्वेश्चन समझ में आते क्या क्या मिलना है आपको कि मैक्सिमम चीजें कहाँ रीअब्सॉर्ब होती है कितना परसेंट रीअब्सॉर्प्शन होता है पीसीटी में 70% क्यों होता है क्योंकि ब्रश बॉडी का एपिथेलियम लगा हुआ अगला इसके बाद है लूप ऑफ हेनले में क्या चीज रीअब्सॉर्ब होती है ठीक है तो अगला देखिए हटा दें इसको देखिएगा लूप ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले आप एक बार इसके बाद एनसीईआरटी को देखिएगा उसमें क्या लिखा ठीक है हेनले इसमें क्या क्या चीज रीअब्सॉर्ब होती है ठीक तो यहाँ पर दो लिम्स होती है एक होता है ये कौन सी लिम्ब है डिसेंडिंग ये आपको डिसेंडिंग लिम्ब है और ऊपर वाली है असेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ठीक है डिसेंडिंग लिम्ब में डायग्राम बुक में देखिएगा बना होगा इस तरीके से देखिए यहाँ पर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है बचा हुआ जो वाटर मैक्सिमम वाटर कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है जब मैक्सिमम पॉइंट बोलेंगे तो पीसीटी बोलेंगे चाहे तो मैक्सिमम पूछा जाए मैक्सिमम आयन मैक्सिमम वाटर टोटल ग्लूकोज कहाँ रीअब्सॉर्ब होता है पीसीटी में
ठीक है, यहाँ पर कुछ अमाउंट में बांट कितना परसेंट लोगों को खेलने में रीअब्जॉर्प्शन होता है, 5%, केवल 5% चीजें रीअब्जॉर्ब होती हैं, 80% कहाँ से गया, यहाँ से रिटर्न हुआ 5%, यहाँ 15% बाकी हो जाएगा, यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। तो ये जो लोगों खेलने की जो डिसेंडिंग लेवल है ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर वाटर, और दूसरा स्टेटमेंट लिखा जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब इज परमेबल फॉर सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड के लिए इम्परमेबल है, सोडियम क्लोराइड अंदर से बाहर नहीं निकल सकता है, ये वाटर तो निकल सकता है, वाटर के लिए इसकी मेम्ब्रेन परमेबल है लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं जाएगा, तो H2O तो जाएगा लेकिन लिखिएगा HCl को लिख करके काट दीजिएगा कि सोडियम क्लोराइड यहाँ से नहीं होगा क्योंकि इसके लिए इम्परमेबल है। और असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, यहाँ से वाटर नहीं निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल करके पेरिटुबुलर कैपिलरीज में नहीं जाएगा, तो क्या जाएगा, सोडियम क्लोराइड का बुक में देखिए लिखा क्या होगा, NaCl लिखा, देखिए NaCl लिखा क्या होगा, तो ये NaCl है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के परमेबल है और वाटर यहाँ से कभी क्रॉस नहीं करेगा, इससे वाटर कभी रिलीज नहीं होगा। तो डिसेंडिंग से वाटर रिलीज होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, और असेंडिंग से सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किससे होता है, पैसिव से, कौन सा प्रोसेस, पैसिव, और सोडियम क्लोराइड का एक्टिव है ये, याद रखिए। फिर यहाँ हुआ कि लोगों फैलने में एक्टिव है, रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और पैसिव दोनों होता है, पीसीटी में भी दोनों था, पूरे नेफ्रॉन में दोनों है, जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन आएगा एक्टिव पैसिव दोनों होता है। ठीक है, अगला आ जाइए डीसीटी, तो डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी में, और साथ में लिखिएगा कलेक्टिंग डक्ट, दोनों एक साथ कलेक्टिंग डक्ट, इन दोनों में कंडीशनल रिएक्शन, देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये बनता है, आया भी है कि आपको नॉर्मल कंडीशन में आपके नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ होता है, तो आप बताएंगे डीसीटी और लिपोफिलिक, नॉर्मल का मतलब समझ लें, हमने वाटर नॉर्मल पिया, बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, यहाँ से वाटर निकल करके बॉडी में जाएगा, लेकिन नॉर्मल वाटर इंटेक कर रहे हैं, आपकी बॉडी नॉर्मल से काम कर रही है, तो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ और यहाँ से होता है, डीसीटी और सीडी से रीअब्जॉर्प्शन कब होगा, जब कंडीशनल एबनॉर्मल होगी, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसमें हार्मोन निकलते हैं, आपको हार्मोन के नाम बताए थे ना जस्ट्रा ग्लोबुलस वाले में, जे जी सेल में हार्मोन बताया था ना, वो हार्मोन काम करते हैं, तो ये कंडीशनल होता है, कंडीशनल का मतलब इमरजेंसी कंडीशन में ही यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है, इसमें लिखिएगा ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी केस, दैट इज इमरजेंसी केसेस में, और बाकी डिटेल लिख दीजिएगा कि पीसीटी में और किसमें, लूप ऑफ हेनले में, नॉर्मल कंडीशन हेनले नॉर्मल कंडीशन, हां रीअब्जॉर्प्शन जो है, रीअब्जॉर्प्शन इन नॉर्मल, इन नॉर्मल कंडीशन में होता है, नोट कर लेना, ठीक है, और ये कंडीशनल होता है, जरूरत पड़ने पर, जरूरत है बॉडी को पर यहां से रीअब्जॉर्ब होगा, नहीं तो इसी से काम चल जाएगा। किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, लिखिएगा डीसीटी, देख रहे हैं इसको नोट कर लो, डीसीटी में बताइए, सोडियम आयन और वाटर का, किसका, सोडियम आयन और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, तो डीसीटी में लिखिएगा Na+ एंड वाटर, Na+ का रीअब्जॉर्प्शन सीधे याद रखिए कि पॉजिटिव आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव से होता है, नेगेटिव आयन का पैसिव से होता है, वाटर का ऐसे ऐसे, तो ये एक्टिव प्रोसेस से होगा और वाटर का किससे होगा, पैसिव से होगा, कलेक्टिंग डक्ट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, आप देखिए कलेक्टिंग डक्ट बनाई गई है, यहाँ से वाटर ऐसे निकाल रहे होंगे, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है,
रिलीज होना।
अब क्या रिलीज होगा, कहां से होता है सेक्रेशन, पहले ट्यूबुलर कैपिलरीज का मतलब समझ रहे हैं, इसके चारों तरफ जो ट्यूबुल लपटता था, इसके चारों तरफ जो कैपिलरी लिपटी थी उसको क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये है, यहां से इसमें होगा सेक्रेशन, इसके अंदर, इसमें ट्यूबुल में, रीनल ट्यूबुल, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से रीनल ट्यूबुल में सेक्रेशन होना, कुछ आयंस का सेक्रेशन होना, क्योंकि ब्लड का पीएच भी तो मेंटेन कराना है, सबके सब निकल करके भाग गए थे यहां, तो पीएच कौन मेंटेन कराएगा ब्लड का, भाई देखिए सबके सब यहां से निकल करके यहां आ गए थे ना, ब्लड में चले गए थे ना, तो ब्लड में पता लगा आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पीएच डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, यहां से कुछ आयंस को वापस भेजा जाता है कहां, यूरिन में, इसके अंदर भेजा जाता है ताकि ब्लड का, इस ब्लड का पीएच जो है वो मेंटेन रहे, तो सिक्रीशन इसी के लिए होता है, याद रखिए सिक्रीशन आपके ब्लड का पीएच, ब्लड जो इसमें बन रहा है यहीं से तो चीजें सिक्रेट की जाएंगी, यहीं से तो निकाला जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, इसके अंदर, तो इसका पीएच मेंटेन रखने के लिए यहाँ से कुछ आयंस को वापस यहाँ भेज दिया जाता है, यही है सिक्रीशन। सिक्रीशन कहाँ से होता है, बोलेंगे फ्रॉम पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर, तो ये सब अच्छी चीजें होती है कि खराब, अच्छी चीज है, कौन सा है, जैसे देखिए सिक्रीशन होता है एंड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस का मूवमेंट होता है, एंड अदर मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स इनटू, कहाँ होता है, ट्यूब में होता है, ठीक है, ट्यूब में वो चीजें मूव कर जाएगा, अब क्या क्या मूव करेगा वो आपको बुक में दिया गया है, वो क्या क्या मूव करता है, जो नीचे एरो लगा हुआ देखिए, जो नीचे एरो देख रहे हैं, ये नीचे एरो, यस सर, ऊपर वाला एरो तो रीअब्जॉर्प्शन है, नीचे एरो समझ रहे हैं कि ये वापस इसमें येलो कलर की डक्ट में वापस जा रहा है, येलो कलर की जो पूरी ट्यूब है ये क्या है, नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर अगर देखिए मैं डायग्राम यहां बना दूं, इसके पास बुक में देखते रहिए, एरो कैसे बनाया गया है, और एक एरो ऐसे बना हुआ है, निकल रहा है, मतलब क्या है, इस ट्यूब्यूल से, इससे जो जो निकला इसी का हिस्सा मैंने बना, ये ट्यूब्यूल है ये वाला, यहां से चीजें निकल गई, कहां चली गई, ब्लड में, ये तो हो गया रीअब्जॉर्प्शन, अब ब्लड से वापस इसमें सेक्रीशन, ये है सेक्रीशन, ये है नीचे वाला, अब सेक्रीशन में देख लीजिएगा बहुत ज्यादा चीजें एंटर नहीं करती हैं, ईसीटी में किस चीज का सेक्रीशन होता है, ईसीटी में कौन सी चीज एंटर करती है, ईसीटी में तो यहां पे देखेंगे अमोनिया H+ एंड NH4, क्या लिखा है, NH3 NH4, हां क्या लिखा हुआ है, NH3 NH3 क्लियर से हो गया, इसके बाद में ये वाला आर्म कौन सा है, असेंडिंग आर्म, तो असेंडिंग आर्म, असेंडिंग, डिसेंडिंग में कुछ नहीं होता है, असेंडिंग आर्म जो होती है ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग आर्म है, इसमें यूरिया का सेक्रेशन होता है, कहां से, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, देखिए यारो देख लीजिए, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया कहाँ जा रही है, कलेक्टिंग डक्ट ये है ब्रॉड ट्यूब, यहाँ से यूरिया निकल करके इसमें जा रही है, लूप ऑफ हेनले में जा रही है, और डीसीटी में केवल पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का, तो डीसीटी में क्या लिखेंगे, डीसीटी में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सेक्रीशन, और सेक्रीशन क्या होता है, लिखिएगा टू मेंटेन, पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड का पीएच, पीएच मेंटेन करते हैं, मेंटेन करने के लिए उसमें कुछ चीजें वापस भेज दी जाती है, कहाँ, इसमें ब्लड से निकाल करके वापस इसमें भेज दे, ब्लड से हटा दी जाती है वो चीजें ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रह जाए, अब इसमें एक चीज देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यूरिया कहाँ से रिलीज हो रही है, तो आप सीधे कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे, देखने डायग्राम में कहीं पर यूरिया रिलीज हो रही है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन, यूरिया का सेक्रेशन कहाँ हो रहा है, केवल केवल कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया का एरो लगाया गया है, कहीं यूरिया का एरो नहीं दिख रहा है, इस कैप्सूल में जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जब छनता है ब्लड तो उसमें यूरिया आ जाती है,
और ये यूरिया आगे बढ़ती हुई जा रही है पीपीसीटी डीसीटी से होते हुए कहां चली गई, कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से थोड़ी सी यूरिया वापस ब्लड में भेज दी जाती है ताकि ऑस्मोलिटिक भेज दिया जाए। तो केवल यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन कहां बताएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में बताएंगे। ये तो हो गया, ठीक है। और इसके अगला जो टॉपिक है वो देख करके डर लग जाता होगा आप लोगों को, ये काम ना जैसे एक टॉपिक दिया है ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देख के डर लगता होगा लेकिन है बहुत आसान, ये भी आसान है, अगली बार इसी को समझाएंगे, पढ़ के आइएगा। काउंटर करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ में आया, अक्सर नहीं समझ में आता है, ये आप अपने आप भी नहीं पढ़ सकते हैं, आगे तो चीज़ें अपने आप भी पढ़ लेंगे। हाँ समझ में आ रहा है, जैसे आप पढ़ के आएगा जो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन दिया हुआ ना, थोड़ा सा उसको फास्ट खत्म करेंगे हम, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम फास्ट खत्म करेंगे, ये वाला टॉपिक ढंग से समझाना है ध्यान से, कौन सा काउंटर करेंट, समझ आ रहा Yeah.